अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी डेटा को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं या हम उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी होता है। जैसे आप कंसीडर करें कि हमारे पास एक डेटा है 500, ये हमारे पास डेटा है, तो जिसमें हम कोई भी बेस यूज़ नहीं करेंगे उस नोटेशन को कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये एक किस्म की स्टैंडर्ड नोटेशन हो गई। और अगर इसी डेटा को अगर मैं ऐसे लिखूँगा, यानी इसको पावर 10 में लिखूँगा, तो यही नोटेशन हमारी जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाएगी या साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द नोटेशन इन विच द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस 10। ऐसी डेटा यानी ऐसी नोटेशन जिसमें हम किसी भी डेटा को इन टर्म्स ऑफ पावर 10 लिखते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है तो हम उस स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो अब आपको दो रूल याद रखने पड़ेंगे। देखें, ये डेसिमल है और ये डेसिमल का लेफ्ट है, ये डेसिमल का राइट है। अगर आप इस डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव करवाओगे या आप इस डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो उस हिसाब से पावर डेवलप होगा। सपोज़ करें मेरे पास एक वैल्यू है 534.95, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और इस स्टैंडर्ड नोटेशन को मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहता हूँ। तो उसूल क्या है कि ये जो हमारा डेसिमल होगा ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पीछे होगा, यानी ये हो जाएगा 5.3495 इनटू 10 रेस पावर। अब देखें, डेसिमल को मैंने ऐसे शिफ्ट करवाया है। जब आपकी डेसिमल ऐसे शिफ्ट होगी तो जो पावर डेवलप होगा वो पावर डेवलप होगा पॉजिटिव। इसका मतलब है यहाँ पे जो पावर डेवलप होने वाला है वो पावर पॉजिटिव होगा। कितना पावर डेवलप होगा, तो हमने इसको दो जो है डिजिट्स मूव करवाए हैं इसलिए इसका पावर जो है 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें 9345.32, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 9.34432 इनटू 10 रेस पावर 123, तो हम यहाँ पे पावर 3 दे देंगे। इसी तरीके से अगर सपोज करें हमारे पास एक और डेटा है 0.00354, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो रूल है यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, तो अब हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा 3.54 इनटू 10 रेस पावर। अब जो यहाँ पे हमने डेसिमल को मूव करवाया है वो हमने आप कह सकते हैं राइट साइड मूव करवाया, यानी जब हम डेसिमल को ऐसे मूव करवाएंगे तो इस वजह से जो पावर डेवलप होगा वो नेगेटिव का पावर डेवलप होगा। डेसिमल अगर ऐसे मूव करेगी यानी लेफ्ट पे मूव करेगी पावर पॉजिटिव, राइट पे मूव करेगी तो पावर इसका नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। तो एंट्री टेस्ट में कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे हम एक MCQs कर लेते हैं, the data ₹5 lakhs can be written as 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शन है 5 into 10 raised power 3, 5 into 10 raised power -4, 5 into 10 raised power 2, 5 into 10 raised power 4।
तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 5000 है, जब आपको डेसिमल नज़र नहीं आता इसका मतलब है डेसिमल बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है, और आप इस डेसिमल को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻¹। तो आपने डेसिमल को कितने डिजिट मूव करवाया है? 4 मूव करवाया है। और आपने कैसे मूव करवाया है? तो आपने लेफ्ट साइड मूव करवाया है, तो इसका पावर जो है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसी तरीके से एक दूसरा एमसीक्यू से, द मास ऑफ अ गन इज 0.005 kg। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ऑप्शन हैं 5 × 10⁻²⁪ kg, 5 × 10⁻³ kg, 5 × 10⁻⁴ kg, 5 × 10⁻³ kg। तो अब ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा है 0.005। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो हम डेसिमल को यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻¹। हमने डेसिमल को 3 डिजिट आगे मूव करवाया है, तो पावर 3 बनेगा, पर पावर प्लस का बनेगा या माइनस का? तो हमने डेसिमल को राइट साइड मूव करवाया है, इसीलिए इसका पावर जो है, सॉरी, हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करवाया है, तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से ये डेटा एक्सप्रेस होगी, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब हम इसका रिवर्स भी सीख लेते हैं। रिवर्स क्या होगा इसका? सपोज हमें कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन मिली हुई है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मिली हुई है, और हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहते हैं। सपोज करें आपके पास एक वैल्यू है 5 × या इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 5.252 × 10⁻²। अब आप एक बात का ये ख्याल रखेंगे, अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो आप ये जो डेसिमल देख रहे हैं इस डेसिमल को आप ऐसे मूव करवाएंगे, यानी आप इसको राइट साइड पे जो है वो मूव करवाएंगे। अब जब आप इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो कितने डिजिट्स मूव करवाएंगे? जितना पावर होगा। तो अगर आप देखें इसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है इस डेसिमल को मैं 2 डिजिट आगे ले जाऊंगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 525.2। इसी तरीके से अगर एक डेटा है 10⁻⁴, जब आप पावर माइनस देखेंगे तो आप डेसिमल को ऐसे मूव करवाएंगे, यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट है, तो हम कहेंगे हम डेसिमल को ऐसे मूव करवाएंगे अगर पावर नेगेटिव होगा। तो ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को ऐसे मूव करवाना है, कितने डिजिट्स मूव करवाने हैं? तो हम कहेंगे भाई 4 डिजिट मूव करवाने हैं, एक डिजिट इसके पास है, तो हम इस डेसिमल को 4 डिजिट आगे ले जाएंगे, यानी हम 5 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, और ये डेसिमल यहाँ पड़ी थी, अब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं। सपोज करें एक और है 5 × 10⁻⁴, ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और हम इसको स्टैंडर्ड में लिखना चाहते हैं। तो जब हमें डेसिमल नज़र नहीं आती इसका मतलब है डेसिमल लास्ट में है, और इसके ऊपर देखें पावर क्या है, इसके ऊपर पावर प्लस फोर है, तो ये डेसिमल इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, कितने डिजिट्स जाएगी? 4 डिजिट आगे जाएगी। डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल दे देंगे, और हम अपने जीरो दे देंगे। तो डेसिमल यहाँ पे पड़ा था, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, इसका मतलब है हमने किसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर भी, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 × 10⁻³ kg, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 kg, हम इसको लिख सकते हैं 3000 kg, हम इसको लिख सकते हैं 30 kg, 30,000 kg, या हम इसको लिख सकते हैं 0.03 kg। तो अब आप देखेंगे, आई होप कि आप ये खुद कर लेंगे, 3 × 10³ है और हम सबसे पहले देखेंगे पावर, इसका पावर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि डेसिमल जो है वो ऐसे मूव करेगी। अब डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रही पर हमें पता है कि डेसिमल एंड में है, तो हम इस डेसिमल को 3 डिजिट आगे मूव करेंगे, इसका मतलब है ये 3000 हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक MCQ और देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ रॉड इज 5 × 10⁻⁴ meter, दिस कैन बी रिटन एज, और इसके ऑप्शंस हैं 0.005, 0.005, 5000, 500 meters। अब आप देखें, आपके पास जो डेटा थी वो डेटा है जो है वो 5 × 10⁻⁴। सबसे पहले हमने देखा पावर, भाई इसका पावर नेगेटिव है, नेगेटिव अगर इसका पावर है तो डेसिमल को ऐसे जाना है। अब डेसिमल कितने डिजिट्स आगे जाएगी, तो 4 डिजिट आगे जाएगी, डेसिमल यहाँ पे पड़ी हुई है एंड पे, 1 डिजिट है और 3 हम इसके आगे ज़ीरो लगा देंगे, तो पॉइंट के आगे ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। डेसिमल हमारा यहाँ पड़ा था और हमने इस डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स, क्योंकि इसके ऊपर पावर नेगेटिव था। तो ये आप नोट कर दें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं दोज डिजिट्स इन अ डेटा विच आर नोन विथ सर्टेनिटी एंड लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। मतलब आप समझें कि ये हमारा एक डेटा है, तो हम ये देखना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताते हैं कि इस डेटा में कितने डिजिट्स नोन विथ सर्टेनिटी है और लास्ट डिजिट जो है वो नोन विथ अनसर्टेनिटी है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द डिजिट्स इन डेटा विच आर नोन विथ सर्टेनिटी एंड लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट जितने डेटा में सिग्निफिकेंट ज़्यादा होते हैं हम कहते हैं कि हमारी डेटा उतनी जो है वो एक्यूरेट है। तो सिग्निफिकेंट डेटा हमें क्या बताएगी, एक्यूरेसी बताती है। तो हम कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेटा की हमें एक्यूरेसी बताएगी। अब हम रूल समझ लेते हैं कि भाई कौन से रूल्स हैं जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है, रूल नंबर 1, हम कहते हैं भाई जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। तो हम कहते हैं रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। मसलन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब है इस डेटा में 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। जैसे सपोज करें ये एग्जांपल है, ठीक है, तो जितने भी आप ये डिजिट्स देख रहे हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो हम कहेंगे इस डेटा में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा रूल है, मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, सपोज ये रूल नंबर 2 है।
अब हम जीरो की बात करते हैं। तो जब हम जीरो की बात करते हैं, पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता हूं। ये जो जीरो होते हैं, इन जीरो के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लें या यहाँ पे ही समझ लेते हैं। तीन जीरोस हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। तीन जीरोस का एक होते हैं लीडिंग जीरोस और एक होते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। और एक होता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। अब देखें लीडिंग जीरोस का मतलब क्या है, यानी ये वाले जीरो, लीड मतलब जो सबसे पहले आएंगे, इन जीरोस को हम कहते हैं लीडिंग जीरोस। तो जो भी लीडिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि लीडिंग जीरोस जो होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि भाई 0.005 में कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो हम कहेंगे इसमें एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम इन जीरो को सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीडिंग जीरोज हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो आप कहेंगे इसमें दो सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज हैं। आई होप के समझ में आ रहा है लीडिंग जीरोस क्या है। इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। तो जब जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, इज सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं भाई 704 में कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो आप कहेंगे तीन सिग्निफिकेंट्स हैं। अब आप जीरो को सिग्निफिकेंट के तौर पर काउंट करेंगे। क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें तीन सिग्निफिकेंट हैं। बात समझ आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 0.00705 इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो आंसर है नहीं होंगे ये। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज हैं। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग जीरोस की। ट्रेलिंग जीरोस किसको कहते हैं, देखें किसी भी नंबर के बाद अगर जीरो की एक रो बनी हुई हो, किसी भी नंबर के बाद अगर सारे जीरोस हैं, तो हम कहते हैं ये ट्रेलिंग जीरोस हैं। और जब ट्रेलिंग जीरोस होते हैं तो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट्स नहीं भी हो सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक ट्रेलिंग जीरो है ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, और एक यानी विथ, या ऐसे लिख लें आफ्टर भी सही है, आफ्टर डेसिमल, और ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल। यानी एक ट्रेलिंग जीरो होंगे जो डेसिमल के बगैर होंगे, या इसको मैं आफ्टर की जगह ऐसे लिख रहा हूं विथ डेसिमल। तो कुछ ट्रेलिंग जीरोस ऐसे होंगे जो डेसिमल के साथ होंगे, कुछ जीरोस ट्रेलिंग जीरोस ऐसे होंगे जो विदाउट डेसिमल होंगे। मसलन विथ डेसिमल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखें ट्रेलिंग जीरोज हैं, क्योंकि नंबर के बाद जीरो की कतार है। क्या ये जीरो डेसिमल के साथ हैं, तो बिल्कुल डेसिमल के साथ हैं, जो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के साथ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, या ऐसे लिख लेता हूं आर सिग्निफिकेंट। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो आप कहेंगे इसमें चार सिग्निफिकेंट्स हैं, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, पर ये ट्रेलिंग जीरोज विथ डेसिमल हैं। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया भाई सिग्निफिकेंट, और ये दो जीरो ट्रेलिंग जीरोज हैं पर किसके साथ हैं, डेसिमल के साथ हैं, तो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट जो हैं वो 6 हैं।
अब हम आते हैं ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल। जब विदाउट डेसिमल की बात होगी तो ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं हो सकते। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये है, क्या ये ट्रेलिंग जीरोज हैं? बिल्कुल ये ट्रेलिंग जीरोज हैं। क्या ये डेसिमल है इसमें? तो डेसिमल नहीं है, तो हम कहेंगे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे लिहाजा इसमें एक जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये बेसिक रूल है जो आप याद रख सकते हैं, इनके बुनियाद पे हम ये रूल्स भी बना सकते हैं। रूल नंबर टू अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर टू क्लियर हो गया। रूल नंबर थ्री है लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज मीन्स लीडिंग जीरोज जो होंगे वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, और लीडिंग जीरो की बात मैंने बता दी है। उसके बाद रूल नंबर फोर है, और रूल नंबर फोर क्या है? रूल नंबर फोर ये है कि ट्रेलिंग जीरोज विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। और रूल नंबर फाइव ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें आप। इम्पॉर्टेंट बात क्या सुनेंगे? देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि भाई ये 500 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो आपने ये सारे रूल्स याद रखे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है वो एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जीरोज जो हैं वो ट्रेलिंग है पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो लिहाजा आप कहेंगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ रही है? पर अगर मेजरमेंट इन्वॉल्व है, जैसे लिखा हुआ है 5000 kg, यानी जब मेजरमेंट इन्वॉल्व होगी, कोई यूनिट लगा होगा, तो आप इन जीरोस को सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करेंगे, यानी फिर जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो इसलिए हम एक रूल लिख लेते हैं, डेटा अ मेजरमेंट डेटा अ मेजरमेंट डेटा All trailing zeros are significant, ठीक है। अब ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आ रही है। अब एक बात और भी समझें, देखें, अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा? अब आपको ये कहा जाएगा कि भाई एक बॉडी का हमने मास मेजर किया है 5000 kg, और हमने ये जो मास मेजर किया है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है। अगर ऐसे क्वेश्चन में मेंशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें सिग्निफिकेंट्स कितने हैं, अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखें, इसका मतलब है ये जो लीस्ट काउंट है ये यूनिट प्लेस का है, वन मीन्स यूनिट। अगर आपका लीस्ट काउंट यूनिट प्लेस का है, इसका मतलब होगा जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो अनसर्टेन होगा, और बाकी ये जो तीन जीरोज हैं ये नॉन विथ सर्टेनिटी होंगे। तो इसका मतलब होगा इसमें चार सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट में हम वो डिजिट भी काउंट करते हैं जो नॉन विथ सर्टेनिटी होते हैं, और लास्ट डिजिट हम वो भी काउंट करते हैं जो नॉन विथ अनसर्टेनिटी होता है, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है द डिजिट इन द डेटा विच आर नॉन विथ सर्टेनिटी एंड लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। जैसे आप यहां देखें तो यहां तक आपको सर्टेनिटी है, पर यूनिट प्लेस में आपको अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें चार सिग्निफिकेंट्स हैं। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखें, सपोज अगर अब मैं लीस्ट काउंट को चेंज कर रहा हूँ, सपोज करें लीस्ट काउंट अब मैं ले रहा हूँ कि भाई लीस्ट काउंट जो था वो 10 kg था, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें सिग्निफिकेंट्स कितने हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा जो अनसर्टेनिटी होगा वो 10 प्लेस में होगा। 10 प्लेस में इतना होगा क्यों? इसलिए होगा क्योंकि लीस्ट काउंट हमारा 10 kg है,
यानी इस ये जो हमारा डिजिट होगा ये हमारा अनसर्टेन है। जब ये डिजिट हमारा अनसर्टेन है और ये दो डिजिट्स जो होंगे वो नॉन विथ सर्टेनिटी होंगे, ये दो डिजिट्स नॉन विथ सर्टेनिटी और ये लास्ट डिजिट नॉन विथ अनसर्टेनिटी, तो हम कहेंगे इसमें तीन सिग्निफिकेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारा लीस्ट काउंट सपोज करें 100 केजी है, तो इसका मतलब होगा कि अब जो हमारा अनसर्टेनिटी होगा वो 100 प्लेस में होगा, यानी इस डिजिट में होगा। तो अब हम कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंस की क्वांटिटी दो होगी, क्योंकि ये नॉन विथ अनसर्टेनिटी है और ये नॉन विथ सर्टेनिटी है, तो अब हम कहेंगे कि इसमें दो सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई 5000 में कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 1। पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5000 किलोग्राम है इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो जब मेजरमेंट की बात होगी तो आप सारे डिजिट्स को सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करेंगे, तो आप लिहाजा बताएंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एक गाड़ी का मास हमने मेजर किया है, ये जो है अपना 500 है, ये अपना 5000 केजी है, और हमने यहाँ पे जो लीस्ट काउंट यूज़ किया है वो 1 किलोग्राम का, तो आप कहेंगे भाई यूनिट प्लेस में अनसर्टेनिटी होगी, बाकी ये तीन डिजिट्स नॉन विथ सर्टेनिटी हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट इसमें 4 होंगे। पर अगर आपसे पूछा जाए नहीं भाई लीस्ट काउंट 10 केजी का है, तो आप कहेंगे इस डिजिट में अनसर्टेनिटी होगी और ये दो डिजिट्स नॉन विथ सर्टेनिटी होंगे, तो लिहाजा 3 सिग्निफिकेंट्स होंगे। पर अगर आपसे पूछा जाए नहीं भाई लीस्ट काउंट जो है वो 100 केजी है, इसका मतलब है अब 100 प्लेस में अनसर्टेनिटी होगी, यानी इस जीरो में अनसर्टेनिटी है और ये नॉन विथ सर्टेनिटी है, तो 2 सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट, आप इसको नोट करें, तो इस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे दी 0.005 कंटेन्स डैश सिग्निफिकेंट्स, तो आपको पता है ये जो तीन जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस हैं और लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम कहेंगे इस डेटा में सिग्निफिकेंट 1 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दी डेटा 0.030500 कंटेंट्स। अब अगर आप देखें तो ये जो जीरो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज़ हैं, और ये ज़ीरो काउंट होगा क्योंकि ये जो है दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, और ये दो ज़ीरो भी काउंट होंगे क्योंकि ये टेलिंग ज़ीरोज हैं विथ डेसिमल। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2, 3, 4, 5 इसमें सिग्निफिकेंट्स हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है द मास ऑफ बॉडी इज 56,320 केजी, देन इट हैज़ डैश सिग्निफिकेंट्स। अब देखें यूनिट लिखा हुआ है केजी, तो मतलब मेजरमेंट की बात हो रही है, तो जब भी मेजरमेंट की बात होगी तो हम इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करेंगे, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट्स हैं। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूस है द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी इज 53,264 सेकंड, इस मेजर्ड विथ अ स्टॉप वॉच हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 10 सेकंड, द डेटा हैज डैश सिग्निफिकेंट्स। अब आपके पास जो डेटा गिवन है वो है 53,264, और यहाँ पे जो बताया गया है कि भाई लीस्ट काउंट 10 सेकंड है, यानी लीस्ट काउंट हमारा जो है वो 10 प्लेस में है, मतलब ये जो डिजिट होगा नॉन विथ अनसर्टेनिटी होगा, और ये जो तीन डिजिट्स होंगे वो नॉन विथ सर्टेनिटी होंगे, तो इसका मतलब होगा इस डेटा में 4 सिग्निफिकेंट होंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसमें इसका ऑप्शन बी होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं आप लोगों से, और उस टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ डेटा? तो हम कहते हैं इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच अ डेटा कैन बी रिड्यूस टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट्स। मतलब किसी डेटा में बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई इसके सिग्निफिकेंट्स को कम किया जाए, तो कम करने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ करेंगे और उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अब राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1, इफ़ डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन रिमूव इट, इनक्रीज सेकेंड लास्ट डिजिट बाय 1। सपोज करें ये हमारे पास एक डेटा है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट्स हैं,
कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? चार सिग्निफिकेंट्स हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसको तीन सिग्निफिकेंट्स में काउंट करें, तीन सिग्निफिकेंट्स में इसको रिड्यूस करें, तो आप क्या करेंगे, आप इस सेवन को रिमूव करेंगे, ये लास्ट डिजिट है। अब जब आप सेवन को रिमूव कर रहे हैं तो सेवन ग्रेटर देन फाइव है, तो इसका मतलब है कि आप इस पे रूल नंबर वन अप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट आपका ग्रेटर देन फाइव है तो आप इसको रिमूव करके और सिक्स को एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे। जब हम सिक्स को एक नंबर से इंक्रीज करेंगे तो ये सेवन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये डेटा है सेवन एट और आपको कहा गया है भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, आप कह रहे हैं भाई पांच हैं इसमें, और आपको कोई कह रहा है कि भाई इसको तीन में रिड्यूस करो, तो आप एट को रिड्यूस करोगे। जब आप एट को रिड्यूस करोगे तो एट ग्रेटर देन फाइव है, इसमें आप एक एट करोगे, ये एट हो जाएगा, और जब इस एट को रिड्यूस यानी रिमूव करोगे तो एट ग्रेटर देन फाइव है तो ये फोर हो जाएगा, तो फाइनली आपका रिजल्ट होगा 56.4। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट्स हो गए। रूल नंबर टू, इफ डिजिट इज लेस देन फाइव देन जस्ट रिमूव इट, यानी हम सिर्फ उसको रिमूव करेंगे। सपोज एक डेटा है 56.3243, इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो इसमें छह सिग्निफिकेंट हैं और मैं कह रहा हूं इसको तीन सिग्निफिकेंट में रिड्यूस करो, तो थ्री को रिमूव करोगे, थ्री क्या है पांच से छोटा है, तो आप जस्ट इसको रिमूव करेंगे, एट नहीं करेंगे। फोर लेस देन फाइव है, इसको भी रिमूव करेंगे। टू लेस देन फाइव है, इसको भी रिमूव करेंगे, यानी आपका फाइनल डेटा होगा 56.3, इसमें तीन सिग्निफिकेंट हो गए। इसके साथ अभी हमने बात की कि अगर हमारा नंबर पांच से बड़ा है या पांच से छोटा है तो क्या होगा। अब हम एक रूल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा लास्ट डिजिट एग्जैक्टली फाइव होगा। तो जब लास्ट डिजिट हमारा एग्जैक्टली फाइव होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, फिर हम सेकंड लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर सेकंड लास्ट डिजिट हमारा आठ होगा तो हम क्या करेंगे, फाइव को रिमूव करके उस आठ को एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। पर अगर हमारा सेकंड लास्ट डिजिट इवन है तो हम क्या करेंगे, पांच को जस्ट रिमूव करेंगे, इवन में ऐड नहीं करेंगे। मसलन जैसे ये एक वैल्यू है, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, पांच, और मैं कह रहा हूं इसको तीन में रिड्यूस करो, तो आप अब आप देखो आपका जो डिजिट आ रहा है वो डिजिट आपका फाइव है, और फाइव के बाद वाला जो डिजिट है वो आपका आठ है। तो जब फाइव को रिमूव करोगे तो इसमें एट करोगे, ये एट हो जाएगा, और एट ग्रेटर देन फाइव है तो ये आपका फाइव हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका 53.5 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूं 56.4, 4 और 5, अब आप ये देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो हम कहते हैं इसमें पांच सिग्निफिकेंट्स हैं। अब आप इस पे ये रूल अप्लाई करेंगे, आपका नंबर क्या है एग्जैक्टली फाइव है, पर सेकंड लास्ट डिजिट आपका इवन है तो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी ये हो जाएगा फोर, और फोर लेस देन फाइव है इसको रिमूव करेंगे, आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा 56.4। अब एक बात समझें, ये जो हम राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ते हैं ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, तो ये हम बेसिकली कैलकुलेशन के लिए पढ़ते हैं। कैलकुलेशन किस बात की, अब देखें जब हम दो डेटा को ऐड करते हैं या दो डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों डेटा में सिग्निफिकेंट्स की क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट्स होंगे उसको हमें सेट करना पड़ेगा। सपोज अगर हम ऐड कर रहे हैं, सो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट्स ऑन एडिशन, पहले हम ये समझ लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मसलन हमारे पास एक वैल्यू है 25.43 और हमारे पास दूसरा वैल्यू है, सपोज हम इसको प्लस करना चाहते हैं 0.00 या हम इसको प्लस करना चाहते हैं 0.5 से। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा,
फाइनल रिज़ल्ट अगर हम इसको ऐड करें तो 0.5 अगर ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और डेसिमल यहाँ आएगी। अब आप थोड़ी सी बात याद रखें, अगर आप देखें तो इसमें इस डेटा में 4 सिग्निफिकेंट्स हैं, इस डेटा में 1 सिग्निफिकेंट है। अब मसला ये होता है कि हमारे फाइनल रिज़ल्ट में क्या होना चाहिए। तो फाइनल रिज़ल्ट में जब भी हम एडिशन का ऑपरेशन करेंगे तो मेरी बात याद रखिएगा, हम फाइनल रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट को इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे। हम फाइनल रिज़ल्ट में किस बात को इम्पॉर्टेंस देंगे? हम इस बात को इम्पॉर्टेंस देंगे फाइनल रिज़ल्ट में कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट थी, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट थी वो हम उतनी रखेंगे जो हमारे पास कम से कम है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और इसमें अगर देखा जाए तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। तो अब हम फाइनल जो रिज़ल्ट अपना देंगे उसमें हम जो अपनी डेसिमल प्लेस करेंगे वो 1 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। कैसे? अगर हम इस 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 लेस देन 5 है तो इसका फाइनल रिज़ल्ट हमारा 25.9 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करेंगे। यानी हम ये रूल लिखेंगे, इन एडिशन आर सब्ट्रैक्शन द डेसिमल प्लेस decimal place in final result should be taken off, should be taken on the basis of data having least decimal place। ये अंग्रेजी आप थोड़ी समझ लें। In addition or subtraction, the decimal place in final result should be taken on the basis of data having least decimal place। अगर आप देखें इसमें decimal place 2 digit के बाद है, इसमें decimal digit, इसमें decimal place 1 digit के बाद है, तो जो हमारा final result होना चाहिए उसमें जो decimal place होगी वो minimum जो data है उसके हिसाब से होनी चाहिए। यानी इसमें decimal digit, इसमें जो decimal place थी वो 2 digit के बाद है, यहाँ पे 1 digit के बाद है, तो final result में जो हमारी decimal की place होगी वो 1 digit के बाद होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हमने फिर राउंडिंग ऑफ डेटा की टेक्निक यूज़ की, हमने 3 को रिमूव किया क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो जब हम 3 को रिमूव करेंगे इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको एक और न्यूमेरिकल दिया जाए, सपोज करें आपको दिया जा रहा है भाई 650.3 और प्लस 2.654, अगर आप इसको ऐड करेंगे 2.654 तो ये हो जाएगा 459, या इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 6 कर देता हूँ, 6 नहीं बल्कि 5 कर देता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5, ये 6। अब आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे बता तो नहीं सकते, बहरहाल अब हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें जो डेसिमल पॉइंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें डेसिमल की प्लेस 1 डिजिट के बाद है, इसमें डेसिमल की डिजिट, इसमें जो डेसिमल की जो प्लेस है 3 डिजिट के बाद है, तो हमने रूल पढ़ा है कि भाई जो फाइनल रिज़ल्ट में डेसिमल की प्लेस होनी चाहिए वो लीस्ट होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इसमें डेसिमल हमारी 1 प्लेस के बाद है, तो फाइनल रिज़ल्ट में भी जो हमारी डेसिमल होनी चाहिए वो 1 डिजिट की प्लेस में होनी चाहिए। तो इसलिए हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे, लेस देन 5 है, ऐड नहीं करेंगे। 5 को जब हम रिमूव करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि हमारा नंबर कौन सा है, तो हमारा नंबर जो है वो इवन है, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो ये हो गया। तो इसी तरीके से ये एडिशन का रूल था। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन का रूल। तो आप नोट करें तो इसको इरेज कर देते। अच्छा, आप देखें
मल्टीप्लीकेशन का रूल जो सिग्निफिकेंट पे अप्लाई होता है। तो जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें जो हम सिग्निफिकेंट्स रखेंगे वो कम से कम रखेंगे, यानी हम अपनी डेटा को देखेंगे कि किस डेटा में सिग्निफिकेंट्स की क्वांटिटी कम है। सपोज़ अगर किसी डेटा में मिनिमम जो सिग्निफिकेंट की क्वांटिटी 2 है तो हम अपनी फाइनल रिज़ल्ट की जो रखेंगे उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट रखेंगे। अब देखें कैसे, जैसे सपोज़ करें ये 2 वैल्यूज़ हमें दिए जा रहे हैं और हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रिज़ल्ट ये आएगा। अब इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स हैं तो हम देखेंगे हमारी डेटा में कौन सी डेटा थी जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट्स थे, तो इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो जो हमारी फाइनल रिज़ल्ट आएगी उसमें 2 सिग्निफिकेंट्स होने चाहिए क्योंकि कम से कम हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4। इसका मतलब है आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने सिग्निफिकेंट्स में, 2 में। तो 5 को रिमूव करेंगे, 5 के आगे 2 है उसमें ऐड नहीं करेंगे, फिर 2 को रिमूव करेंगे, 2 लेस देन 5 है तो उसमें भी आप ऐड नहीं करेंगे, तो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा 0.046। तो ये इस रिज़ल्ट का सही तरीके से जो आंसर होगा। अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। MCQs देखें, राउंड ऑफ 9345 इनटू 2 सिग्निफिकेंट्स, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट में। ये तो 4 हैं, 5 को रिमूव करेंगे इसमें ऐड नहीं करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 5 के बाद इवन नंबर था और 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये होगा 93। देखें अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम गलती कर रहे हैं। मैंने एक नोट लिखा था, आप अगर लेक्चर में देखेंगे तो मैंने एक नोट लिखा था, मैंने कहा था राउंडिंग ऑफ डेटा में डेटा की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये जो आपने डेटा देखा, ये डेटा आपका 1000 प्लेस में था तो फाइनल रिजल्ट भी आपका 1000 प्लेस में होना चाहिए, इसीलिए आप इसके साथ 2 जीरो देंगे। अगर आप 2 जीरो नहीं देंगे तो ये 93 हो जाएगा। 93 मतलब ये आपका जो है वो यूनिट प्लेस में होगा, पर आपका ओरिजिनल डेटा जो था वो 1000 प्लेस में था तो आपका फाइनल डेटा भी 1000 प्लेस में होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद राउंड ऑफ 26.95 इनटू 2 सिग्निफिकेंट, ये आसान है, आप 5 को रिमूव करेंगे, आगे 9 है, 9 क्या है, ऑड है, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो ये अल्टीमेटली 10 हो जाएगा और 10 की वजह से एक आगे हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है 27 होगा। इसके बाद ये देखें एडिशन वाला, तो आप इसको ऐड करेंगे, जब आप इसमें ऐड करेंगे 0.15 जब ऐड करेंगे तो 5563 आएगा और डेसिमल आएंगे। अब जैसे हमने एडिशन में ये रूल बताया था आपको कि हम देखेंगे कि कम से कम डेसिमल की पोजीशन किस डेटा में है, तो इसमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, इसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो हम अपनी जो डेसिमल रखेंगे वो 1 डिजिट के बाद रखेंगे, इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। जब हम 5 को रिमूव करेंगे तो 5 के आगे 5 है जो कि 8 नंबर है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये होगा 365.6, तो इसका राइट ऑप्शन जो है कहां गया, ई होगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.75 होगा। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल आपने देखा था, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस डेटा में कम से कम सिग्निफिकेंट्स हैं, तो कम से कम सिग्निफिकेंट इस डेटा में है जिसमें 1 है, इसका मतलब है इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट में। 5 को रिमूव करेंगे तो इसके आगे जो है 8 है, तो इसलिए ये 0.8 हो जाएगा। इसी तरीके से आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे, और आप इनको अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर में नोट कर दें और जो आपके MCQs हैं वो आप जो हैं डायरेक्ट मुझे जो हैं वो अपना व्हाट्सएप पे भी जो है ना आप यानी भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख लें भले इनको। और इसी के साथ मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि हर बैच जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि उसमें सारे स्टूडेंट जो हैं अपने हिसाब से अपनी बैच के हिसाब से ऐड होते जाएं। थैंक यू।